सबसे अच्छा ब्रश भी होता है। है तो दोस्तों ये देखिए हमने पैर भर लिया है नवरात्र के में। ये किट्टो जा रहे हैं, उड़ जाएंगे अभी। बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। देखो गाइस ये होता है मतलब भाई जलेबी और रबड़ी मंगवा रहा है सबके लिए। भाई तो मंगाया हमने यार तेरे लिए, तू ऐसा बात करता है, हमारे पूरे मंगाया तू। नए घर का काम स्टार्ट हुआ तो सौरभ बोल रहा भैया तुम कुछ मुंह नहीं मीठा कराया, मुंह नहीं, मैं कहा मुंह मीठा भी करो फीका भी कर। तो रबड़ी और जलेबी की पार्टी हो रही है आज ऑफिस के अंदर, गेट टुगेदर एक छोटा सा, और देखते हैं कि जलेबी एकदम बेहतरीन सी जलेबी होती है, हल्दीराम की जलेबी आ रखी है। ऐसा जलेबी होता है ना भाई साहब, लगता है कि स्वर्ग ही बना हुआ जलेबी। देखेंगे आप लोग और इसका मजा जो खाने का है, मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा मीठापन सा भी नहीं लगता है लेकिन एक अच्छा सा लगता है टेस्ट। तो सौरभ भाई हमेशा, सौरभ भाई ही निकालता है रबड़ी। बहुत है बे, कितना खाएगा तुम? तेल इतने मंगा दी मैंने तो खा लेती हूँ। मतलब मुझे सबूत देना पड़ेगा किसने हुआ है। बिल्कुल ऐसे मत करो, पैसा हमारा लगा 500 रुपया का नोट दिए थे, पैसा खर्चा होगा भाई मजाक मजाक में। तो गाइस देखिए घर यहाँ पे स्पेशल कटोरी यहाँ भी होती, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इसी पैकिंग है हल्दीराम की और जलेबी देखिए कितनी मासूम सी, छोटी छोटी सी बेबी जलेबियाँ, जैसे बेबी जलेबियाँ होती ना, देख रहे हैं। हाय 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 हाय, किस किस के मुँह में पानी आया वीडियो देख के कमेंट में जरूर आइएगा। रस रबड़ी पवन भाई ये बोलते हैं मैं 1 किलो अकेले खा जाऊं जलेबी। हाँ यार आधा किलो तो खा ही जाऊंगा यार। हम एक पीस खा ले भाई, बहुत है। हाँ मनोज जी निकालो, तुम सब निकालो, इसमें निकालो, इसके ऊपर रेवड़ी डालो। कटोरी तुम मुझे कटोरी ढूंढ रहे थे, अभी कटोरी ला के दे दिया तो मैं व्यवस्था तुम्हें तुम्हें सब कुछ चाहिए। रेवड़ी डालो 10 चम्मच, 10 चम्मच माल डालो सब पूरा। समस्या सोचते पेट कम करे और ऑफिस में डिमांड हो जाती जलेबी की और रबड़ी की, तो पेट बढ़ेगा ही, कम कहाँ से होगा। तो चलिए चलते हैं, लपेटते लपाटते फिर मिलेंगे आप सब लोगों को, आप सब लोग भी लपेट लेंगे। जाने के लिए पहुंचा, मेट्रो का गेट ही बंद हो गया तो वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट मेट्रो का। तो नहा धो करके तैयार हो गया हूँ, नहाने के बाद तैयार होने के बाद तो भैया याद आती है अपने चेहरे की, और चेहरे को एक हेल्दी स्किन देने के लिए, नेचुरल स्किन देने के लिए, नेचुरल ग्लोइंग के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ ममा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम। तो भैया ये बहुत ही जबरदस्त क्रीम है और ये मिलके बना हुआ है विटामिन सी और टर्मेरिक से। विटामिन सी हमारे चेहरे के, हमारे स्किन के डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है, कम करता है और हमें देता है एक ब्राइटनिंग स्किन। और हल्दी, हल्दी तो आप लोग को पता है हेल्दी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे स्किन को देता है एक नेचुरल ग्लोइंग स्किन। ममा अर्थ का जितना भी प्रोडक्ट होता है वो प्लास्टिक पॉजिटिव होता है। ममा अर्थ जितना प्लास्टिक यूज करता है उससे कई ज्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल करता है। ये डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो गाइस आप लोग भी मंगवा सकते हैं ममा अर्थ के इस प्रोडक्ट को। तो कहां से मंगवा सकते हैं? मंगवा सकते हैं ममा अर्थ से, अमेजोन से, नाइका से, पर्पल से, एंड फर्स्ट क्राई फॉर बेबी प्रोडक्ट। बार इसको यूज करके भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो इसको लेना है अपने फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, थोड़ा सा लेना है इसको अपने फेस पे, अपने नेक पे, बिल्कुल उंगलियों से लगाना अच्छी तरीके से, प्लीज को लगाना है और आपको एक नेचुरल हेल्दी स्किन मिलेगा। और तो और गाइस आप सब लोग ममा अर्थ की वेबसाइट से अगर आप मंगाते हो तो आपको कूपन कोड यूज करना अमित 2022, तो आप लोग को मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। ममा अर्थ का प्रोडक्ट इनकी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो आपके ऑर्डर को वेबसाइट के जरिए एक ट्री से लिंक कर दिया जाता है। और तो और आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन, पिक्चर और इसके जितने भी चीजें होती हैं आपको सेंड कर दी जाती हैं। आप टाइम टू टाइम इसका अपडेट लेते रह सकते हो। ममा अर्थ ऐप, ममा अर्थ ने अपना खुद का ऐप लॉन्च किया हुआ है जहां पे यूजर्स कैन गेट अर्ली एक्सेस टू सेल एंड गेट
एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आप सब लोग को ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा, प्रोडक्ट पसंद आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, फटाफट जाओ यार ऑर्डर करो ममा अर्थ के इस प्रोडक्ट को। ये पिटारा बंदा जी ने अपना सारा मेकअप रख दिया था, तो मैंने बोला ये मेरे से कर लो, फिर निकालोगी फिर करोगी, और वो तैयार हो गई हैं, बच्चे लोग सब लोग तैयार हो गए हैं, हम भी थोड़े से इमोशनल हैं। और ये कौन ऐसे रख दिया है, तो चलते हैं थोड़ा सा इधर देखिए, सबका जाते जाते भी मोबाइल ये नहीं छोड़ रहा है, चला के रख रहा है, चला के ही रख रहा है, इतना ज़्यादा कर रहा है कि बता नहीं सकते। चलते हैं थोड़ा सा, मैं अपना पैर भर लेती हूँ, क्योंकि बंदा दी भर रही थी, तो हम के दो हम भी भर लेते हैं, क्योंकि हम लोग में होता है ना एक रश, मतलब कि घर से बाहर निकलो तो लगा के ही निकला जाता है, और वैसे तो सुहागन को लगाना ही चाहिए। अभी तक पतिदेव नहीं आया, मैं बोली थी आ जाइएगा टाइम से, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, बताओ। इसे सही से भरा जाता है, ये नहीं सबसे अच्छा ब्रश से होता है, ब्रश है दूं? नहीं अब लगा दिए, 10 चीज क्या लगाएंगे। ओ भाई जाते जाते भी सब था, नहीं इनके आदत बहुत खराब है, ये कलर बड़ा अजीब है ना, इसी का है सब। अच्छा तो लग रहा है पिंक कलर, इवन खाली ऐसे ही दिखा रही हो क्या? अरे अरे सब जाते जाते थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। सोनाक्षी को सही से नहीं करना है, सोनाक्षी तो बहुत खुश है ना, सोनाक्षी हम खुश नहीं रूठे हैं, रूठी हो बड़ा रूठी हो, आधा खुश आधा रूठे हैं। क्यों रूठी हो? जो तुम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे तो क्या हुआ, तो चलो तुम जाते ही है ना, चलो ना जाएंगे ना जब समय आएगा, तो इधर मम्मी तैयार होकर ये सबको सीसी रखने जा रहे हो, वो जरूरी है। तो क्यों नहीं गई, कहाँ रह गए, गांव जाएंगे ना, कब आओगी, यहाँ कौन देखेगा? तो वैसे तो उस समय कौन देखेगा, जब समय? जब मार्च में गई थी, तो मम्मी जाती है ना, अच्छा लगता है, कैसे लगा रहे हैं, अच्छा लगता है, पैर भरा भरा लगता है, अच्छा हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है देखे, अरे तो आपको क्या पता, अच्छा तो इधर बैठ के लगा रही है, बैठ के ही लगाया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए हमने पैर भर लिया है नवरात्र के महीने में, और वंदन जी के जाते जाते वो भी वीडियो एडिट कर रही है, और ये कह रहा है मुझे दुल्हा बना दो, इनका बैग वगैरह इधर रखा हुआ है, अब ये देखिए उसमें मस्ती कर रही है, ये देखो इसमें कलर चढ़ रहा है लकड़ी पे, अरे आप नहीं जाओगे क्या रिसा, ठीक है मत जाओ कोई बात नहीं, बैठ रही हो चना, चना देखो लिलिया खा रहा है, मुझे छोड़ के चला जाएगा लिलिया, बात नहीं कर रहा था, खा पी ले फिर बतिया, थोड़ा मैं भी गाइस आया हूँ तो मुँह हाथ धुल लेता हूँ, चेंज वेंज कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ लोगों से कुछ देर के बाद। ये कितो जा रहे हैं, उड़ जाएंगे अभी, चालू है, हमसे बोला था नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, तुमको परेशान करेंगे, अच्छा इधर आ, जा रहा है मेरा बेटा, मेरा लल्ला जा रहा है, मम्मी तो देख रही है, लो तेरे लगवा लो, लो अजब गिरी प्रवेश कर, तब आया ना गिरी प्रवेश नहीं, लेस किसी ले रच के दम का तेल लगा दो, देख किसी ले, आई आ जाओ किट्टो जी, यहाँ देखिए चना लपेट रही है, और लिलिया किट्टो हमसे सही से मिला नहीं है, उसको खुशी है, देखो खुशी का चाचा को छोड़ के जा रहा, बहुत खुश है आज, खुश हो गया, जब चाचा छोड़ के जाते तो सोता है, दूसरा कपड़ा क्यों नहीं पहना है ना, चबास वास खराब कर देता है, इसलिए यही पहन लो, ट्रेन में तो सोना सही है, जाके सुबह चेंज ही तो करोगे ना, अब तो कम्बल उम्बल सब मिलता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है टिकट, हो गया होगा, चार्ट बना होगा तो हो गया होगा, नहीं बना होगा तो भी नहीं होगा, अब बोला गया, लोग जैसे कि बोलते कंप्लेन करते हैं, ये बहन हमारा लड़का नालायक निकल गया, अच्छा नहीं निकला, सुनो ना ये बोलते कि नहीं अच्छा नहीं निकला, अच्छा नहीं निकला है, जब गर्भ में बच्चा रहता है तो उस टाइम लोग कानाफूसी मोबाइल में सीरियल देखते हैं, जितना भी सीरियल देख लो सब आंसू से टपकता हुआ रहता है, कभी कंटिन्यू क्या नाम है किसी खुशी खुशी वाला दिखाते हैं, कोई सीरियल में कुमकुम भाग्य देखते हो तुम लोग, हम के बाप रे इनको कुमकुम भाग्य याद है, बताओ कुमकुम भाग्य याद है, बोले कि जब रहता है तब तुम लोग कुछ कथा सुनते हो,
पूजा पाठ करते हो, अच्छी बातें करते हो, तब बच्चे पे असर जाएगा ना, अच्छा ज्ञान सीखेगा। कहे कि बहुत सही बात बताओ तुम यार, सही बात है कि नहीं। बस एक लोटा जल दो, माया देखो उनकी पत्नी कुंभकर्ण की पत्नी, जैसे कि रावण और वो मंदोदरी और सब लोग शिव शंकर को मतलब कि मानते थे, उनकी पूजा करते थे, लेकिन कभी भी उनपे प्रकट नहीं हुए। ये कुड़कर्णी कटकर्णी ऐसी थी इनकी पत्नी, नाम रखा कुंभकर्ण की, उन्होंने कभी भी नहीं उनकी पूजा की थी। वो मंदिर में गई बाहर ही से, उनके आसपास जितने भी फूल थे ये सब थे, वो उनको चढ़ाए और तुरंत शंकर जी पार्वती जी उनपे मतलब कि आ गए। तो इट्टो यार तुम भी जा रही हो क्या? एक इट्टो तुम भी जा रही हो क्या? उसको भी एक्स्ट्रा बैग है। ये हरा हरा मैच तो कर रहा है तुम्हारे साथ, ऐसे तुम ले लो तो मैच कर रहा है तुम्हारे कपड़ों के साथ। लिलिया लिलिया साउंड बंद कर। सोना कल हम लोग यहाँ पे सोते रहेंगे, तुम लोग कटहरा पहुँच जाओगी। चाय पानी भी हो जाए, फोन करेंगे उठा लेना। अरे हम तो उठाने के लिए बेताब रहेंगे, तुम करना तो सही। तो सुन मुझे पता है सोनाक्षी मेरा हाल समाचार जरूर लेगी बार बार फोन करके कि चाचू खाना खाए कि नहीं खाए, मौसी खाना खाई कि नहीं खाई। क्यों सोनाक्षी, और तुम्हारा कोई फ्रेंड है यार आए मिलेंगे तब। सोनाक्षी इमोशनल हो जाती है, हम लोग को छोड़ के जाएगी इतने दिन बाद। नहीं सोनाक्षी मनी मन इमोशनल है, जाने लगेंगे तब रोएंगे मौसी हम। कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं सबको। तू चाचू के बिना रहेगा इधर आ? चाचू रख ला। कह रहा हाँ मेरे बिना रहेगा और क्या। सोनाक्षी देखो धीरे धीरे अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर हो रहेगी मौसी छोड़ जा रही। पहले मौसी जाती थी तुरंत चिल्ला चिल्ला के रोने लगती थी मौसी के बिना। हाँ किट्टो अब थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ा समझदार हो गई है। नहीं तो मौसी घर से बाहर निकले और सोनाक्षी के बाप रे एकदम हालत खराब हो जाता था। हाय रे रोने लगी। हाँ सही में आंखों में आंसू आ गया पूरा देखो। हाँ यार दूर ना फ्लाई के। नहीं वो बच्ची समझदार है, उसको पता है ना चाचू मौसी का प्यार, इतने टाइम से प्यार आती है तुरंत चॉकलेट लिए रोती है। अभी देखो तीन चॉकलेट दिए इसको रखी है। कुछ लोगी कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं स्टेशन पे कहीं ना हमको भूख लग जाता है स्टेशन पे। नमकीन बिस्किट ले लो, बिस्किट ले लो डाइजेस्टिव वाला एक, उसमें होगा। रख लो बैग में। नहीं नहीं खाती। बैग उधर रख दो। चलो रोवा जी आई बुने 10 दिन बाद ससुर ससुरे जाते ससुरे तो हम जाते होता है। मैं अंदर ही अंदर मुझे बहुत हो रहा है इमोशनल। देखिता चेहरा तो मेरा क्या दुखोगी यार, मैं मतलब दिखाते हैं लेकिन आप लोग के आंखों में आंसू नहीं है। मेरे आंखों में आंसू बहुत आता है। रक्षा बंधन पे एक दिन के लिए गए थे, हमें पता है कि आ जाएंगे, लेकिन अब घर पूरा खाली रहेगा, बच्चे रहेंगे नहीं, चहल पहल मची रहती थी। आपका दिन तो कट जाएगा ऑफिस से, मेरा दिन कटना मुश्किल होगा। कभी उधर ही सब का मोबाइल छीन के बोल कभी सोनाक्षी बोल रही पड़ो ना जाओगे नहीं जाएगी की जाओगी। कपड़ा निकाल ला भैया मौका बता रहा जाने दो नहीं रोएगी फिर क्या रोएंगे। समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द जब परिवार एक साथ हो काफी टाइम लग और एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होने जाए तो होता है। परसवा में हेडफोन मेरा बेटा किट्टो चाचू की तरफ देख नहीं रहा है। किट्टो किट्टो चाचू की तरफ देख नहीं रहा है। कह रहे जी धक 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 कर रहा है, अजीब सा लगता है। कभी हम गए भी नहीं है तुम लोग को छोड़ के कहीं ना, पहली बार वही आज हम बोल रहे थे कि आज पहले मतलब कि जितनी बार गए हम ही लोग गए हैं। पकड़ो फोन। अरे बुक कर रहा हूं हम पहली बार हम ही लोग जाते थे, तुम तो कभी गई नहीं थी। रोती है तो और चलो चप्पल निकाल, अरे चप्पल निकाल के हाथ धोकर आओ, मंदिर में हाथ पैर छोड़ चलो, स्लीपर बाहर निकाल लो, स्लीपर बाहर निकालो, जाओ हाथ धोकर आओ, जाते हो
फिटो काहे नम हो रही आंखें जब सोनाक्षी को देखकर नम हो रही है, सोनाक्षी देखकर रो रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा बेटा। ओके लो जी आपकी भाभी का फोन आया। काहे तब जा खाऊ उतरा जब हम अपने घर में चले तब कैसे रहो। अभी तो तुम जाके आओगी ना इधर तो ओडिया बिस्तर वाले जाओ इधर रहो फ्री वाले पढ़ो कहीं नाम लिखवाई दो करो इधर ठीक बा। चल कोई बात नहीं पंखा चालू कर यार दरवाजा। चलिए दोस्तों ये लोग जा रहे हैं अब क्या कर सकते हैं अब जाए लिलिया हमसे जैसे कोई वही नहीं हो रहा है। टिकट कट गया है तो जाना तो पड़ेगा ही नहीं जाना चाहिए घर घूम के आना चाहिए नहीं मिलना उलना चाहिए। हम तो कितनी बार गए हैं तो मार्च का ही गई हूँ अप्रैल में गए मई में गए एक महीना होगा आगे मई में गए फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मतलब चार महीना फिर कहीं नहीं गए। नहीं खोलेंगे सारा जिम्मेदारी देख मतलब बता समझा के जा रही है जाइए छोड़ा।